भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। हम सब जानते हैं भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ, कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन, जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी से राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने, अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बनाकर के लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हों, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे दिव्यत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। मित्रों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आज यहां पर प्रभु लगभग 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में, राम तो परमपिता परमेश्वर है लेकिन लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बहाने प्रभु का एक मूर्त रूप फिर से वहां पर रामलला के रूप में, राम जन्मभूमि में, राम भक्तों को दुनिया की दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त होगा।